ये सब पहले से डिस्कस किए जाते हैं. नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस. आज हम लोगों को क्या करना है? बेटा इसमें इन द लैब कुछ लैब के जो यानी हमारे कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको देख लेते हैं. ओके एक्टिविटी में क्या करते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं. इन्होंने कहा बेटा मल्टीप्लीकेशन एम टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एक प्रकार का रिपीटेड एडिशन होता है. पहले बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? बताया गया ना मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन. एक प्रकार का ये रिपीटेड एडिशन होता है दैट वी कॉल मल्टीप्लीकेशन. ओके मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं. मटेरियल रिक्वायर्ड किडनी बीन्स 10 बाउल्स एंड अ पेंसिल एंड अ इरेजर. प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट में वर्क इन ग्रुप. चलिए ठीक है ये बात की बात है बाद में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे हम क्लास में है नहीं तो एक साथ करना है हम लोगों को. ठीक है इसको हमें ग्रुप में करना होगा तो हम ग्रुप में तो अभी कर नहीं सकते बिकॉज लाइव क्लास चलो सॉरी ऑनलाइन है हम डिजिटल क्लास चला रहे हैं. ठीक है अब मेरी बात सुनो. यस सर. इट मींस ये जो पेज नंबर आपका 62 गिवन है पेज नंबर 62 ही है ना इसको हम बाद में लैब होंगे तब डिस्कस करेंगे. अब बात आती है चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 की बात आती है इनमें वी हैव टू नो अबाउट डिवीजन. ठीक है जिसमें हमें किसके बारे में जानना है डिवीजन के बारे में जानना है. ओके डिवीजन के बारे में. द नेक्स्ट चैप्टर इज डिवीजन. योर 7 चैप्टर नंबर इज डिवीजन. इन विच we have to discuss about division. मेरा division chapter number 7 आपका आज से हमें start करना है. चलिए ठीक है जानते हैं क्या होता है. division means ही होता है बेटा number of equal parts. जब किसी value की या किसी क्वांटिटी के इक्वल पार्ट किए जाते हैं तो उसे कहते हैं सर डिवीजन. इसके नंबर ऑफ पार्ट कर दिए गए हैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इज नोन एज डिवीजन. यानी डिवीजन इज नोन एज पार्टीशन. यानी जब किसी में इक्वल पार्टीशन किया जाता है तो उसे डिवीजन बोल देते हैं. यानी किसी वैल्यू को या क्वांटिटी को दो या दो से अधिक या जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट में ठीक है डिवाइड किया जाएगा यानी बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं डिवीजन. Now look at question, chapter number 7 from page number 63. In which beta, here is given 12 bits have been shared equally in 3 boxes to get 4 bits in each box. Yahan pe inhone kaha 12 bits equally shared in 3 boxes. अगर 12 नंबर ऑफ बिट्स गिवन है यहाँ पे बिट नंबर ऑफ बिट्स गिवन है 12 और इक्वली शेयर किए गए हैं इन 3 बॉक्सेस यानी इनको 3 बॉक्सेस में पुट किया गया है तो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच बॉक्स. अगर आपसे कोई पूछता है कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे एक एक बॉक्स में तो क्या आप बताओगे? एवरीवन हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच बॉक्स इफ 12 बिट्स आर शेयर्ड इन 3 बॉक्स इक्वली इफ 12 में एक होंगे नहीं मेरी बात समझ रहे हो. 12 टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 12 हैं. टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने बेटा 12 हैं. 12 मेरी बात सुनो ना अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है. टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 12 हैं और उनको इक्वली शेयर किया गया इन 3 बॉक्सेस यानी टोटल बिट्स जो थे 12 उनको बराबर बराबर 3 बॉक्सेस में रख दिया गया. तो एक एक बॉक्स में कितने रखे जाएंगे ये सर 4 4 4 4 और ये आप फाइंड कैसे करेंगे? यस बेटा और हम इस वैल्यू को फाइंड कैसे किए जब हम डिवीजन किए हैं यानी बराबर बराबर भागों में
भागों में बांट लिए हैं, कैसे बांटे हैं, 12 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, देन वी विल गेट नंबर ऑफ बीट इन ईच वर्ब, ठीक है। यानी अगर आपको कोई पूछता है हाउ मेनी बीट कंटेन ईच वर्ब, तो आपको बताना होगा सर 4 बीट कंटेन ईच वर्ब, 4 बीट कंटेन ईच वर्ब। यहाँ पे 4 बीट कंटेन ईच वर्ब बिकॉज इक्वली शेयर किए गए हैं, 12 बीट्स आर 12 बीट शेयर्ड इक्वली इन 3 बॉक्सेस, सो नंबर ऑफ बीट इन ईच बॉक्स इक्वल टू हो जाएगा 4, ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सर बेटा इसमें इन्होंने बताया फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड 12 बाई 3। अगर हमें इस डिविजन सेंटेंस में राइट करना होता तो हम क्या राइट करते हैं इस चीज को जानने के लिए कि अगर 12 बिट 3 बॉक्सेस में इक्वली शेयर किया जा रहा है तो हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ईच बॉक्स। इस चीज को फाइंड करने के लिए हम इसे डिविजन सेंटेंस में राइट करते हैं और डिविजन सेंटेंस को राइट करते करते हैं 12 नंबर ऑफ टोटल बिट्स डिवाइड किस में करते हैं 3 बॉक्सेस में, तो 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आया बेटा 4 इन ईच बॉक्स, 4 आप जानते हो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने का जो रूल है आपको पहले से बताया जा चुका है, पहले से इसके बारे में जानते हो आप। यहाँ क्या करेंगे, यस सर, डिवाइड 12 बाई 3, 3 से 12 को डिवाइड करना, तो इसलिए हमें 3 का टेबल इतने टाइम रीड करना पड़ेगा कि 12 से प्लस में आ जाए या इक्वल टू 12 हो जाए, 12 हो जाए या 12 के प्लस में, 3 4 4 टाइम 4 टाइम 4 12। यहाँ से माइनस कर देते हैं, आप सबको पता ना सब आइडिया, ये सब तो बताना नहीं है। यस सर। यस सर। यहाँ से माइनस करते हैं 2 - 2 = 0 आ जाएगा, 0 राइट करो, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, बात एक ही होती है, 1 - 1 = 0, ठीक है। यस सर। यस सर। वी डिवाइड 12 by 3 अगेन, 12 इफ वी डिवाइड 12 by 3 वी विल गेट 4, यदि हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, क्वेश्चन क्या आएगा 4। अब इसमें क्या बोलते हैं किसको, देखिए इस वैल्यू में आप डिवाइड करते हो उसे क्या बोलते हैं बेटे, डिविडेंड भी बोल सकते हैं, डिविडेंड, ओके। द नेक्स्ट वन इज जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जिस वैल्यू में डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जिस वैल्यू से डिवाइड किया गया है यानी जितने नंबर ऑफ पार्ट इक्वल पार्ट किए गए हैं उसे बोलते हैं डिविजर, और जो पार्ट करने पे जो वैल्यू आती है ये पार्ट की वो होता है क्वेश्चन। रिमाइंडर, रिमाइंडर बेटा जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर रिमाइंड होगा, चलिए रिमाइंडर के लिए बता देते हैं, लेट्स से यू हैव टू डिवाइड, हमें डिवाइड करना है 15 by 4, हमें क्या करना है 15 को 4 से डिवाइड करना है, देन व्हाट विल बी गेट, देखिए हम क्या पाएंगे, इसके लिए हमें जानने के लिए इसको डिवाइड करना होगा, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, यू हैव टू डिवाइड 15 by 4, बेटा इसमें क्या करेंगे 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है,
जानते हैं 15 के टच में होना चाहिए, इतने टाइम से हम फोर का टेबल रीड करेंगे कि 15 के टच में हो या उसके इक्वल हो, तो इसके लिए हम कितने टाइम फोर का टेबल कर सकते हैं? हम थ्री टाइम यस बेटा, थ्री टाइम जाएंगे तो 12 आता है यहाँ पे, 4 3 12, बट अगर हम फोर टाइम टेबल रीड करेंगे तो 16 हो जाएगा, इट मीन इट्स मोर देन 15, जो कि 16 जब आता है तो 15 से मोर हो जाएगा, सो वी कांट गो फोर टाइम, वी कांट गो फोर टाइम, यानी हम फोर टाइम जा नहीं सकते हैं, इस कारण यहाँ से थ्री टाइम जाएंगे, 4 3 12 यहाँ से माइनस करेंगे, 5 - 2 = 3, 1 - 1 = 0, ये क्रॉस भी कर देते हैं। अब बात आती है करना क्या सर, दिस वैल्यू इज नोन एज क्वेश्चन, यहाँ पे जो वैल्यू आती है तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ जो रिमाइंडर रिमाइंड हो जाता है, जो लेफ्ट होता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, और जिस वैल्यू से डिवाइड किया आपने इसे बोलते हैं डिविजर, डिवाइजर भी बोलते हैं, यस बेटा, और दिस वन इज नोन एज डिविडेंड, यहाँ जिसमें डिवाइड किया आपने, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट किए हैं, डिवाइड डिविडेंड और डिविडेंड बोलते हैं, ये होता है। अब बात आती है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं रही आप लोगों को? नो सर, आइडेंटिफाई करना आ गया ना आपको? यस सर, सर एग्जैक्टली डिविजन मीन्स होता है, डिविजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको इससे पहले बताया गया था डिविजन मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, एक्चुअली रिपीटेड एडिशन होता था, आपको पहले रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बट अगर बात करता है कोई डिवीजन की तो डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी किसने इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है उतनी बार उसको रिपीट सब्ट्रैक्ट करते जाए उस वैल्यू को, जो वैल्यू आती कितने जो नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे वही उसकी वैल्यू हो जाती है, ओके, जितने नंबर ऑफ टाइम्स में जीरो हो जाएगा वो उसकी वैल्यू हो जाती है। अब बात आती है देखिए एक्सरसाइज में जो आपका गिवन है, इन्होंने कहा डिविडेंड डिवाइड टू डिविजर, सॉरी डिविडेंड डिवाइड बाय डिविजर इक्वल टू क्वेश्चन, आप जानते हो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो डिविडेंड होती है, सेकंड वैल्यू जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिविजर होता है, और जो वैल्यू आती है उसे क्वेश्चन बोलते हैं। नाउ टर्न योर पेज and look at exercise 7.1. Exercise 7.1. Exercise 7.1 beta, in which we have to discuss the division problem. Divide using multiplication table. बेटा multiplication tables means वही आपको टेबल लाना होगा, उसी टेबल का यूज करना है आपको, आपको क्या करना है टू करें ए नंबर जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे ए 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू वन, यू हैव टू सी, तो हमें 2 का टेबल रीड करना, हाउ मेनी टाइम्स वी विल गो टू रीच 18, यानी 18 तक पहुंचने के लिए कितने टाइम जाते हैं, तो कटे कितने टाइम रीड करना होगा, हाउ मेनी टाइम्स विल यू रीड द टेबल टू रीच 18, 9 टाइम्स टू का टेबल रीड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, डायरेक्ट 2 9 18 होता है ना, ऐसे आप टेबल रीड करते जाएंगे तो आपको समय आएगा, टाइम आएगा 2 9 जा, देखते हैं 9 टाइम जाते हैं तो 18 गेट करते हैं, तो
राइट हियर 9, यहाँ पे टेबल रीड करके आपने डायरेक्ट बता दिया था 9 आ गया आंसर, बस 2 9 जा 18 होता है, क्या राइट कर देंगे डायरेक्ट 2 9 जा 9 पैराग्राफ। मान लीजिए आपके पास कोई कहता है सर 72 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू व्हाट, तो आप भी 9 का टेबल ही रीड करते 9 टेबल कितने टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स 9 का टेबल रीड करते हैं तो 72 आ जाता है। 9 8 72 8 टाइम्स। यस बेटा, देखो यहां से 42 डिवाइड बाय 7 टाइम्स रीड करते हैं तो 42 गेन करेंगे। ओके यस सर। नाउ एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में? सेम एज यू हैड बेटा, ऐसे ही जो बच्चे क्वेश्चन 1 के बच्चे भी क्वेश्चन था उनको आप ऐसे ही करेंगे। ओके यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिविडेंड डिविजर एंड क्वेश्चन। आपको क्या करना है यहाँ पे, डिविडेंड डिविजर एंड क्वेश्चन के कॉलम गिवन है, इनकी वैल्यूज राइट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकी वैल्यूज राइट करना है। चलिए मैं 1 आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग 2 जो होंगे वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इन्होंने एक तरफ डिवीजन प्रॉब्लम दिए हैं, एक तरफ इन्होंने बताया डिविडेंड, यहाँ पे राइट किया डिविडेंड। यस, यहाँ पे राइट करेंगे डिविजर, डिविजर यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है बेटा, यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, आप जानते हो व्हाट विल यू गेट, अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बेटा आप जानते हो ना सर? 3 3 या 15, हम जानते हैं 3 टाइम्स हम टेबल रीड करते हैं तो 15 आ जाता है। ओके, यानी 5 या 15 इज वी विल गेट 3 देयर, वहां पे क्या आंसर आएगा 3। नाउ अब बात आती है इनके लिए, इनके पार्ट के नेमिंग करने के लिए, आप जानते हो डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड हियर इन दिस सेंटेंस बेटा, डिविडेंड क्या है यू हैव टू टेल एवरीवन, 15 यस सारे लोग बोला कीजिए, एक ही लोग बोलते हैं क्यों, ऋषभ और एक दो लोग बीच में बोलते हैं बाकी और कोई नहीं बोलता। 15 डिवाइड टू 5 सॉरी 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3 इनमें 15 इज डिविडेंड, 15 क्या हो गया बेटा डिविडेंड। अब बात आती है डिविडेंड 3 3 3 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 4, आप जानते हो 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। ओके, अब सेम आज यहाँ पे भी राइट करेंगे तो डिविडेंड क्या होगा यहाँ पे 28 7 क्या हो गया यहाँ पे डिविजन। नाउ डिविजन यहाँ पे 4 जो वैल्यू गेन की है,
लास्ट नंबर इसको भी ऐसे ही करेंगे ठीक है। क्या है ये वॉइस किसके यहाँ से आ रही है? महिमा बारी आपके यहाँ से वॉइस आ रही थी ना? पैराग्राफ पैराग्राफ बेटा इसमें अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की। सॉरी क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया है, सॉल्व करके आपको प्रेजेंट भी किया गया है। ओके यस सर। बात आती है रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में जो रिलेशन होता है इसको यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पता थी सर ऐसे कैसे होता है, ये क्या रिलेशन होता है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच क्या होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई डिवीजन सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे डिवीजन सेंटेंस है लेट्स से यू हैव 20 डिवाइड बाय 5 इसको डू व्हाट बेटा, अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर? एवरीवन 4। ये आपका डिवीजन सेंटेंस है। अब इस डिवीजन सेंटेंस अकॉर्डिंग हम क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इनको शो कर सकते हैं? कुछ ऐसा है जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन रिलेशन को भी यूज किया जा सकता है? हाँ, कैसे? अगर हम डिविजर और कंसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो डिविडेंड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डिविडेंड के इक्वल। हम इसको सेम एज सर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। और तुम आप ऐसा भी कर सकते हैं ऑर्डर चेंज करके 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या राइट कर सकते हैं सर? 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू आल्सो 20। ऑर्डर चेंज करके 2 में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू क्या होगा? 20। आपको करना क्या रहेगा, जो डिविजन होगा और जो क्वेश्चन उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम देखते हैं डिविडेंड के इक्वल होता है। आप देख रहे हो ना इन कंडीशंस में जिसमें एग्जैक्ट जो डिविजन होता है वो एग्जैक्ट डिविजन होता है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर ना हो तो इस कंडीशन में जो परसेंट और डिविजन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिविडेंड से इक्वल होता है। ओके, जो प्रोडक्ट होता है डिविजन एंड परसेंट का वो डिविडेंड के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने देखा भी दैट इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। यही रिलेशन होता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपको कोई ऐसे स्टेटमेंट गिवन हो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि
पूछा मैं से। वैसे आपसे कोई बोल दिया राइट टू डिवीजन फाइव? राइट टू टू डिवीजन फाइव फॉर इट्स मल्टीप्लाइड बाई सेवन इक्वल टू 42। यहाँ पे इन्होंने कहा ऐसा कोई डिविजन मतलब मल्टीप्लीकेशन सेंटेंस है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 42। अब इसके लिए टू डिविजन फैक्ट यानी डिविजन स्टेटमेंट राइट करना है एक्चुअली। तो आप कैसे राइट करोगे इसको जानते हो? जो प्रोडक्ट होता है वो डिविडेंड होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? डिविडेंड होता है। यानी यहाँ से हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे चाहे जिस चाहे मल्टीप्लाई से चाहे मल्टीप्लीकेट से वो डिविजन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ 6 से करेंगे तो 7 आएगा। If we divide 42 by 6, we will get 7 as a question. Same as, अगर आपसे कोई कहता सर इसको इस तरह भी तो ऐड कर सकते हैं 42 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 42 डिवाइड बाय 7 अदर वे दूसरी तरह से हम इसको इस तरह भी तो ऐड कर सकते हैं एक बार इसको 6 से डिवाइड किए एक बार 7 से कर रहे हैं तो 42 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है इस तरह से दो अलग अलग तरीकों yes, में इसके डिवीजन फैक्ट को राइट कर दिया है। एक बार 42 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 7 आया है और एक बार 42 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6 हुआ। ठीक है yes, sir. Now next question beta. Please look at example number second. Next मतलब example number second. आप example number second देखिए. एक example हमने discuss किया दूसरा आपको मैं चीज बता रहा हूँ. Divide 63 by 9 using the multiplication table and find the quotient. ये तो बहुत ही आसान है. आपको क्या करना था 63 को 9 से divide करना है using the multiplication table. तो इसके लिए ना बीसी मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 9 टिल 63 बेटा इन्होंने कहा हम तब तक टेबल रीड करते हैं 9 का जब तक हम 63 नहीं पहुंच जाते। 9 का टेबल कितने टाइम तक रीड करते जाएंगे तब तक जब तक हम 63 तक पहुंच नहीं जाते। तो इसके लिए इन्होंने कहा 9 का टेबल रीड करते करते हम जब एक समय आएगा 7 टाइम्स रीड करेंगे तो 63 आ जाएगा। कितना 63 को 9 से डिवाइड करने में क्या आंसर आ जाएगा 7। देखिए इन्होंने कहा राइट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इन्होंने कहा राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 7.2 दे लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस। इन्होंने कहा राइट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द डिवीजन फॉर दीज डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है यहाँ से वही चीज दिखाएंगे तो आपको दिखाना है। ठीक है करते क्या देखो इन्होंने एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर एट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 24 डिवाइड बाय 6 ठीक है इक्वल टू क्या बेटा अगर 24 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर 24 इट मींस अब इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के फॉर्म में राइट करना है तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 यस बेटा और एक और होगा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एक तो हम कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 24 इक्वल वाला हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24 इक्वल टू 24 डिफरेंट फैक्ट हो जाएंगे और डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है Yes, sir. समझे बेटा yep.
यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन सेम एज, यानी जो क्वेश्चन नंबर वन है इसी को ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे. ओके ओके बेटा. बेटा अब आपको करना क्या रहेगा, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ये भी आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई किया कंप्लीट कर लेना. ओके नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं बेटा, अभी और भी क्लासेस हैं तो आज के लिए इतना क्लास ओवर करते हैं. ओके यस सर. बाय बेटा. गुड बाय. गुड बाय. गुड बाय.